ये हमारी जो वीडियो है ये है उन हमारे स्ट्रीमर भाई लोगों के लिए जो OBS स्टूडियो का इस्तेमाल करते हैं स्ट्रीम करने के लिए, और उनके पास अलग से एक चैट पढ़ने के लिए, जो लाइव चैट है उसको पढ़ने के लिए अलग से एक डेडिकेटेड मॉनिटर नहीं है, और उन लोगों को बराबर स्विच ओवर होना पड़ता है OBS स्क्रीन से लाइव चैट पे और लाइव चैट से फिर दोबारा OBS स्क्रीन पे, क्योंकि दोनों पे ये नज़र रखनी पड़ती है एज ए स्ट्रीमर कि स्ट्रीम पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, प्लस आपको रिस्पॉन्ड भी करना होता है अपने व्यूअर्स को। तो जल्दी से देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे आप अपने OBS में ही अपनी YouTube की लाइव चैट को इंटीग्रेट कर सकते हैं, और उस एक ही विंडो से हम लोग अपनी स्ट्रीम पे भी निगाह रखेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह तो नहीं है, और साथ साथ हम लोग अपनी ऑडियंस को रिस्पॉन्ड भी करते चलेंगे। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगेगा, जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी, आई होप सभी ज़बरदस्त जिंदाबाद हमेशा की तरह। वेलकम टू ब्लडी हेल गेमिंग। और किसी भी स्ट्रीमर को ये पता है कि हमारी स्ट्रीमिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है उसका कंटेंट। हर एक कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पे जानता है या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जानता है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है क्वालिटी वाइज तो उसको ऑडियंस मिलती है हमेशा। और दूसरी चीज़ जो आती है प्रायोरिटी पे वो ये है कि स्ट्रीमर जो है वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है अपनी ऑडियंस से। अब यहाँ पे उन भाई लोगों के लिए, उन स्ट्रीमर्स के लिए हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जिनके पास अलग से डेडिकेटेड एक डिस्प्ले नहीं है, एक मॉनिटर नहीं है जो YouTube की लाइव चैट है उसे पढ़ने के लिए। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को जिगल करना पड़ता है, बार बार स्विच करना पड़ता है विंडोज से OBS से, हम लोग लाइव चैट पे आते हैं, लाइव चैट से फिर दोबारा OBS पे जाते हैं, OBS पे लगातार नज़र रखनी पड़ती है कि आपकी स्ट्रीम जो है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, फ्रेम ड्रॉप्स तो नहीं हो रहे हैं, या कुछ और भी ऑफलाइन तो नहीं हो गई है कहीं स्ट्रीम। और लाइव चैट वाली विंडो इस वजह से कि आपको बराबर स्ट्रीम करना पड़ता है, अपने ऑडियंस से बराबर एक कम्युनिकेशन बनाए रखना पड़ता है। और वीडियो शुरू करने से पहले वो भाई लोग हमारे जो नहीं जानते हैं कि OBS स्टूडियो का यूज़ कैसे करते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइव स्ट्रीम करने के लिए, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही यूज़फुल, इन्फॉर्मेटिव एक वीडियो है जिसमें राइट फ्रॉम द स्क्रैच आपको बताया हुआ है कि कैसे आप OBS स्टूडियो का यूज़ करके लाइव स्ट्रीम करें। ऊपर आई कार्ड में मैं लिंक आपको दे रहा हूँ, वहाँ से चेकआउट करिए वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन भाई लोगों के लिए जो रेगुलर व्यूअर्स हैं या जो नए अभी आए हैं चैनल पे और देख रहे हैं इस वीडियो को पहली बार, अगर आपको लगे कि ये वीडियो एक लाइक डिजर्व करता है तो प्लीज़ कंजूसी मत करिएगा लाइक देने में, क्योंकि ये इंस्पायर करता है हमको और ज़्यादा क्रिएटिव और हेल्पफुल कंटेंट बनाने में। तो जल्दी से देखते हैं कि कैसे हम लोग अपने OBS स्टूडियो की विंडो पे ही अपने YouTube चैनल की जो लाइव चैट है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और उस एक ही विंडो पे हम लोग निगाह रख सकते हैं कि हमारी स्ट्रीम ठीक है, फ्लॉलेस है, और साथ साथ हम लोग कम्युनिकेट करेंगे लाइव चैट देखते हुए हमारे YouTube चैनल पे जो ऑडियंस है उससे। भाई लोग OBS की स्क्रीन पे जाने से पहले हम लोग चलेंगे YouTube चैनल पे अपने, क्योंकि वहाँ से एक इंपॉर्टेंट लिंक हमको कॉपी करना है। ओपन करते हैं अपना वेब ब्राउज़र, जाते हैं YouTube पर, और YouTube पे जाने के बाद जो क्रिएट बटन आता है ऊपर टॉप राइट में जहाँ से हम लोग वीडियो अपनी अपलोड करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और नीचे ऑप्शन है गो लाइव, यहाँ पे क्लिक करेंगे गो लाइव पे। अब जो नई विंडो खुलने वाली है उसमें आप देखेंगे लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन आ रहा है स्ट्रीम नाउ क्लासिक करके, क्लिक करते हैं इस पर और हम लोग पहुँच जाएंगे अपने लाइव वाले डैशबोर्ड पे। ये जो नई विंडो होगी ये लाइव डैशबोर्ड है, इस पर अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो राइट हैंड साइड में आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि ये हमारा चैट बॉक्स है जहाँ पर टॉप चैट लिखा आ रहा है, ये चैट बॉक्स है हमारा जहाँ पे चैट शो होती है सारी। तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना है कि मेन्यू ओपन करना है थ्री डॉट्स से और चूज़ करना है पॉप आउट चैट। जैसे ही आप इसको चूज़ करेंगे तो एक नई विंडो यहाँ पे देखिए ओपन हो गई है, और ये विंडो है जहाँ पे आपकी लाइव चैट जो है वो शो होने वाली है। तो यहाँ से हम लोग इसका लिंक कॉपी करेंगे, ऊपर ही एक लिंक आ रहा है ये वाला लिंक, इसको राइट क्लिक करके करते हैं कॉपी, और अब चलते हैं अपनी OBS स्क्रीन पर, इसको मिनिमाइज़ करेंगे यहाँ से, और OBS स्टूडियो, OBS स्टूडियो में आके आपको जाना है मेन्यूज़ में। यहाँ से आप ओपन करेंगे व्यू मेन्यू जो है, व्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे और ऑप्शन आ रहा है डॉक्स, डॉक्स पे जाएंगे और डॉक्स में एक ऑप्शन है कस्टम ब्राउज़र डॉक्स, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप अपना नाम दीजिए कि आपका जो वो जो चैट बॉक्स यहाँ पे शो होने वाला है उसका क्या नाम रहेगा। मैं यहाँ पे इसको नाम दे रहा हूँ YT लाइव चैट। ओके, सो YT लाइव चैट। अब इसके सामने जो यहाँ पे ये URL मांग रहा है वहाँ पे हम लोग वही URL जो है कॉपी कर देंगे जो वहाँ से हम लोगों ने लिया है और अप्लाई। तो आप ये देखेंगे कि जैसे ही आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो ये एक विंडो आ गई है और इस विंडो पे अब आपकी लाइव चैट दिखाई देगी। आप इसको चाहें तो कहीं इंटीग्रेट कर सकते हैं, मैं यहाँ साइड में इंटीग्रेट कर रहा हूँ और थोड़ा सा इसको स्ट्रेच आउट कर लेते हैं अपनी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसी विंडो पे आप स्ट्रीम करिए, सारे स्टैट्स देखिए नीचे, यहाँ पे कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और यहाँ पे हाथों हाथ आप अपनी लाइव चैट पढ़ सकते हैं।
लाइव जाते हैं एक बार, एक एग्जांपल देखते हैं कि ऐसा हो पाता है या नहीं हो पाता है अभी। ओके, तो अब हम लोग जाते हैं लाइव और मैं अपने फ़ोन पे देखूंगा चैट करके कि वो चैट यहाँ पे इस विंडो पे शो होती है नहीं होती है। तो जाते हैं लाइव, लेट्स स्टार्ट स्ट्रीमिंग। ओके, तो मेरे फ़ोन पे लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन आ गया है। टैप करते हैं, ओपन करते हैं इसको और चैट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, लेट्स से हाय, और देखते हैं कि ये शो होता है यहाँ पे या नहीं होता है। थोड़ा सा डिले है वो मिलता ही है। और आप देखिए कि एज सून एज मैंने यहाँ पे चैट किया, आपको हमारी विंडो पे दिखाई दे रहा होगा कि ये जो लाइव चैट है इट इज़ कम्प्लीटली वर्किंग। तो भाई लोग, इतना सिंपल है, इतना ईजी है अपनी यूट्यूब लाइव चैट को OBS स्टूडियो में इंटीग्रेट करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इस प्रोसीजर में तो कमेंट सेक्शन इस्तेमाल करिए, ज़रूर पूछिए हमसे क्वेश्चंस या क्वेरीज, हम लोग कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा जल्दी से, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और वो घंटा आपको ज़रूर बजाना है क्योंकि आपको पता है कि सारा चमत्कार उसी से होता है। जब भी एक नई वीडियो आती है वो घंटा बजता है और आपको पता लगता है कि नई वीडियो आ गई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।